गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। मैंने आप लोगों के लिए लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा दिया था। आज अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है। तो इसमें अपन लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz, ठीक है। इसको अपन को फैक्टराइज करना है। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उसी की जस्ट अपोजिट आइडेंटिटी। तो क्या होगी, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इज इक्वल टू a + b + c होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इस जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर में कंपेयर करना है, देन इसी से क्या करना है, मतलब कन्वर्ट करना है, देन इसी से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ देखें, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2x का, तो 2x। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3y का, ठीक है। तो यहाँ से अपन को ए बी सी की वैल्यू मिलती जा रही है। ये किसका है, 4z का, ठीक है। फिर इसको स्प्लिट करते जाएंगे, 2 × ए की वैल्यू कितनी, 2x मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी, 3y, ठीक है। तो देखें, अगर इसका आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। देन प्लस 2 × वैल्यू ऑफ बी इज 3y और सी की वैल्यू 4z, ठीक है। प्लस फिर 2 × 4z × वैल्यू ऑफ ए इज 2x, ठीक है। तो देखो, अपन ने पूरा कन्वर्ट कर दिया, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ नेगेटिव साइन आ रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव साइन कैसे लगाए जाते हैं, तो देखें, ये जो एक्सप्रेशन दिया और ये एक्सप्रेशन, इसमें ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो कॉमन है, कौन सा है, जेड, ठीक है। तो अपन जेड वाली टर्म के साथ किसका साइन लगा देंगे, माइनस का। तो देखिए, 4z है, इसके साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ आया हुआ है, एक जे है 4z, तो इसके साथ क्या साइन लगा देंगे, माइनस का, ठीक है। और 4z कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसके साथ भी क्या साइन लगा देंगे, माइनस का, ठीक है। तो अपन इसको एक बार और राइट करेंगे, 2x² + 3y - 4z² + 2 × 2x / 3y, ठीक है। देन ये नेगेटिव का साइन आगे आ जाएगा, 2 × 3y / 4z, ये भी नेगेटिव आगे, 2 × 4z / 2x, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, तो देखिए, कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2x, b की वैल्यू कितनी आएगी, 3y, द वैल्यू ऑफ c इज -4z, ठीक है। अब a b c की वैल्यू आ चुकी है, इसको कहाँ पर पुट अप करेंगे, लेफ्ट हैंड में, तो पुट अप नहीं करेंगे, वापस क्वेश्चन बन जाएगा, कहाँ पर पुट अप करेंगे, राइट हैंड में। तो देखें, a के प्लेस पर क्या आएगा, 2x प्लस b के प्लेस पर 3y प्लस c के प्लेस पर -4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 2x + 3y - 4z² होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आज अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। थैंक यू।